हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज आप सबों का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं पुनः आज की क्लास में। रीजनिंग के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पर आपका स्वागत कर रहे हैं और वो चैप्टर है मेरा लेटर सीरीज के रूप में। एक नंबर आपको आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके पॉकेट में मैं डाल दूं, बस थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन बरकरार रखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत करता है। आपने देखा होगा छात्रगण, परीक्षा में एक प्रकार का क्वेश्चन होता है, नाम है उसका लेटर सीरीज। क्वेश्चंस के क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको लेते हैं, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। नंबर वन, ए सी ए ए, आप देख के ही समझ गए कि अरे वाह सर, आज हम लोग को बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज आपको बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ताकि जो है आप इसमें बहुत बहुत एंजॉय कर सकें। ऑप्शंस इसमें दिए रहते हैं चार छात्रगण, बी बी सी ए, बी नंबर में ए बी ए सी, सी नंबर में आपका बी बी ए सी और डी नंबर में आपका ऑप्शन है बी ए सी बी। आज इसी पे हम सब विस्तृत चर्चाएं करेंगे अपनी क्लास में। देखिए छात्रगण, इसका नाम है लेटर सीरीज। 8-10 क्वेश्चन आपको बनवा के दिखा देते हैं, एकदम मास्टर हो जाएगी। देखिए इसका सबसे बेहतरीन तरीका हम बताते हैं। एक तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो इसमें सबसे बड़ा लिखा हुआ रहता है उसमें बहुत बड़ा क्लू छिपा हुआ रहता है। जो इसमें सबसे बड़ा लिखा हुआ है उसमें बहुत बड़ा क्लू छिपा हुआ है। देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन लिखा हुआ है, ए ए बी बी बी। देखो ए ए बी बी, यहाँ पर भी बी बी होगा, यहाँ सी सी है, यहाँ पर बी सी सी है, सी ए ए है, ए सी सी होगा। अर्थात आप देखिएगा क्या छात्रगण, है ना, कि यहां सबसे जो बड़ा वाला है, देखिए इस जो इसमें सबसे बड़ा लिखा हुआ रहेगा उससे आपका 90% क्वेश्चन बन जाएगा। दो तरीका हम बता देते हैं। एक तरीका वो, देखिए यहां सीरीज आप पकड़ लिए होंगे, ए ए बी 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 बी, यानी देखो बी बी कितना बार लिखा हुआ, तीन बार, तो जाहिर बात है ए ए भी कितना रहेगा, तीन बार, तो ए ए ए हो गया। फिर यहां पर देख लीजिए ए ए ए है, यहां पर गौर कीजिए, यहां पर देखिए यहां क्या है, अगर हम यहां पे लिख दें ए, यहां पे लिख दें हम बी, तो कितना हो गया, ए बी सी हुआ, फिर ए ए, फिर बी बी, फिर क्या है सी सी, फिर ए ए, फिर ए बी बी और फिर क्या हो गया यहां पर सी। तो सीरीज मेरा क्या बन गया, सो आप गौर करिए, बी बी ए सी का सीरीज बना, सीरीज बना ए बी सी, फिर ए बी सी बना, फिर ए ए बी, फिर बी सी सी, ए ए बी, बी बी सी, ए ए सी, बी बी सी। तो एक बहुत बड़ा क्लू होता है छात्रगण जो कि इसमें छुपा हुआ रहता है, और वो क्लू होता है आपके पास जो सबसे आपका बड़ा लिखा हुआ है वो उस पर एकदम आपको जाना है। अगर आपको लगता है नहीं सर कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं, नहीं बनता है, और तरीका है इसका सीखिए। देखिए आपको करना क्या है छात्रगण, यहाँ से आप काउंटिंग कीजिए, टोटल आपके पास कितना लेटर है इसके अंदर में। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 है। इन 18, ये 18 किससे किससे कटेगा, तो आप बोलिएगा सर 2 से कटेगा, या 3 से कटेगा, या 6 से कटेगा, या 9 से कटेगा। अब देख लीजिए, अगर हम दो दो का सेट, देखिए इसमें सेट बनाना पड़ता है, बिल्कुल एक सीरीज तो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर दो का सेट बनाएंगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है, नौ का सेट बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा होता है। तो चाहे हम तीन का सेट बनाएंगे या छह का सेट बनाएंगे, चाहे कितना का सेट बनाएंगे, तीन का या कितना का सेट बनाएंगे, छह का, पहले हम लोग तीन का सेट बना के देखते हैं कि तीन में क्या कहानी होगा। तो देखिए तीन की कहानी लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर ए कुछ ने दिया हुआ है सी, यानी तीन पर मेरा सी पर खत्म हो रहा है, याद रखना यही सब चीज़ याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर ए ए, यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ, हम डिसाइड नहीं करते हैं, फिर बी सी सी, फिर देखिए तीन पर किए तो सी पे खत्म हो रहा है, फिर देखिए फिर 1, 2, 3 ए पे खत्म हो रहा है, यानी सीरीज गड़बड़ा गया। एकदम सीरीज आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब हम फिर चलिए 6 पर शुरू करते हैं, तीन भी खत्म हो गया, तीन काहे नहीं मिला, समझ में आ गया, चूंकि हमको सीरीज नहीं मिला। अब हम 6 पर शुरू करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ नहीं दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ए से खत्म हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सी पर खत्म हुआ, यानी ये भी सीरीज नहीं मिला, यानी दिए गए में किसी का भी सीरीज हमको प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थितियां भी आएंगी,
बस दो ही मेथड है, सबसे बड़ा वाला को पकड़िए सबसे, और ये वाला किससे किससे कटेगा इससे पकड़िए, आपको अपने आप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये एक इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट है छात्रगण, जिसको आपको एकदम से याद करना चाहिए। अब आपके पास कुछ भी उपाय नहीं बचा हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 18 में अब हम लोग कितना लेटर का सीरीज बनाएंगे ताकि हमको सीरीज मिले। तो चलिए जब ये सब हार जाए तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि चार चार लेटर का सीरीज बनाते हैं, अपने मन से बना लीजिएगा। देखिए दो बना नहीं सकते थे, तीन बनाए नहीं मिला, छः बनाए नहीं, अभी हम चार को बनाएंगे, अगर चार में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पाँच का सेट बनाएंगे, बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए शुरुआत में तो कोई भी चीज़ थोड़ी सी कठिन लगती है छात्र, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो अपने आप अच्छा हो जाता है। अब हम लोग चार चार की सीरीज बनाएंगे, तो चलिए 1 2 3 4, चार पर क्या खत्म होता है ए, 1 2 3 4, चार पर क्या खत्म हुआ सी, 1 2 3 4, चार पर खत्म क्या हुआ ए, 1 2 3 4 पर कुछ भी नहीं दिया हुआ। यानी कि सीरीज देखिए इस पर भी सीरीज मेरा क्या हो गया, गड़बड़ाते हुए नजर आता है। तो सवाल उठता है कि सर आखिर हम लोग अब इसको कैसे पकड़ेंगे। पांच पर अगर हम चलते हैं, पांच पर तो 1 2 3 4 5, ए बना 1 2 3 4 5, कुछ नहीं दिया हुआ 1 2 3 4 5 बी पे, यानी कि कोई भी सीरीज जब हमको प्राप्त नहीं होता है छात्रगण, तो वैसी स्थितियों में छात्रगण अब हम देखिए आगे की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए इसका एक दूसरा ट्रिक क्या है, आपको बस वही जो सबसे बड़ा वाला आपको हम बताए थे वो सीरीज पकड़िएगा, ए ए ट्रिपल बी, यहाँ पर इसको गौर करिएगा, ए ए ट्रिपल बी को यहाँ देखिएगा, है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है डबल ए ट्रिपल बी, उससे ही हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, उससे ही हम लोग क्या करेंगे पकड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर रख दे बी, फिर सी ए ए, यहाँ पर बी, फिर बी सी सी ए, यहाँ पर ए, और फिर यहाँ पर रख देते हैं सी, देखिए तो क्या मेरा क्या सीरीज क्या बन रहा है, सो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ सीरीज बन रहा है ए बी सी, ए ए बी बी सी सी, ए ए ए बी 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 सी सी, कुछ सीरीज मिला एकदम, आप देखिएगा कि 100% आपको सीरीज मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहां पर कर देते हैं, सपोज कीजिए अगर हम करें यहां पर ए ए, फिर मेरा क्या हुआ सी ए ए, फिर मेरा क्या हो गया बी बी, फिर हो गया मेरा सी सी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हो गई यहाँ पर, कि जो सबसे बड़ा आपको नजर आता है, मैं कई बार आपको बता रहा हूँ कि जो आपको सबसे बड़ा नजर आता है उस पर जाइए और उस सीरीज से इसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो आंसर करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर दो आपके पास लेकर के आ रहे हैं, दो नंबर में मेरा क्या है देखिए ए है, फिर बी बी, फिर ए ए, फिर बी ए ए, फिर डैश दे करके बी ए ए बी, और फिर डैश दे करके ए ए बी, क्लियर हो गया। नंबर पहला में ए बी ए बी, दूसरा में बी ए बी ए, तीसरा में ए बी बी, चौथा में बी ए बी बी, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे बड़ा वाला पास जाइएगा तो सबसे बड़ा वाला आपका दो मिल रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर हम अपना काउंटिंग वाला दिमाग लगाएंगे, सबसे बेस्ट एक ही नियम लेके चलिए काउंटिंग वाला करिएगा, काउंटिंग वाला में गलती नहीं होता है, जनरली नहीं गलती होगा। अब देखिए यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। अब देखिए 19 तो छात्रगण किसी से नहीं कटता है, तब क्या करिएगा काटने के लिए चाहे उसमें उसमें हमेशा घटाइएगा, तो 19 में से एक घटाइए तो कितना बचा 18, तो हम लोग 18 लेटर का सीरीज बनाएंगे। किसे किसे ये कटता है, 2 से 3 से 6 से और 9 से, 2 बहुत छोटा होगा 9 बहुत बड़ा होगा, तो हम 3-3 लेटर का सीरीज बना करके देखते हैं कि 3-3 लेटर पर ये क्या कहानी कहेगा, और 3-3 लेटर का सीरीज हम लोग बना लेंगे। देखिए 3 लेटर का सीरीज बनाइए, 1 2 3 किस पर ख़त्म हुआ बी पर, 1 2 3 किस पर ख़त्म हुआ ए पर, फिर 1 2 3 किस पर ख़त्म हुआ ए पर, 1 2 3 किस पर ख़त्म हुआ बी पर, 1 2 3 किस पर ख़त्म हुआ बी पर, 1 2 3 किस पर ख़त्म हुआ ए पर। तो आप देखे होंगे पूरे सीरीज में आपने देखा कि सर चाहे तो 3 पर ख़त्म होता है या 6 पर ख़त्म, और या ए पे ख़त्म होता है। जब हम 6 लेटर पर चलते हैं तो 6 लेटर पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 ए पे ख़त्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 बी पे ख़त्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 ए पे ख़त्म हुआ, अबर वाला किस पे ख़त्म होगा बी पे ख़त्म होगा,
यही ना सिर्फ निकला, अपर वाला किस पर खत्म होगा? बी पे खत्म होगा। तो देखिए 3 और 6 पे ये डिसाइड हो जाता है कि कौन मेरा यहाँ पर आने जा रहा है, ये बहुत अच्छा से मेरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 पर भी आपने देखा क्या, आप एकदम गौर किए होंगे, 1 2 3 बी पे खत्म हुआ, 1 2 3 ए पे खत्म हुआ, 1 2 3 फिर ए पे खत्म हुआ, सीरीज नहीं मिला। एकदम एक सीरीज आपको मिलना चाहिए, खत्म। 6 पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ए पे खत्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 बी पे खत्म हुआ, कहानी खत्म हो गया। तब अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे छात्रगण, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अब हम लोग सीरीज ढूंढेंगे। अब हम यहाँ पर दो भी दो अब जिसके दो दो काटे थे, अब इस दो की हम शुरुआत करेंगे, दो पर देख लेते हैं। तो देखिए अगर दो पे लेते हैं तो यहाँ लेते हैं ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी, अगर आगे रहेगा तो बी बी ले लेंगे उसको। तो हम देखिए क्या भरे इसमें, ए बी 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 ए बी बी बी, आंसर कौन हो गया नंबर 3। तो कभी कभी क्या होता है छात्रगण की जो छोटा वाला सीरीज छोटे देखिए उससे सीरीज हमको मिल गया, कितना अच्छा सीरीज मिल गया। देखिए ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी, अगर आगे रहता तो। अगर 4 पे सीरीज बनाएंगे तो ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी, अगर आगे रहता तो। तो एक परफेक्ट सीरीज आपको मिलना चाहिए, मैं वही कहते आ रहा हूँ कि जब तक आपको अगर एक परफेक्ट सीरीज नहीं मिलेगा तब तक आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाने में कामयाब नहीं होंगे छात्रगण। आइए आपको आगे क्यों ले सकते हैं और आगे कई क्वेश्चन इसी प्रकार से बना करके आपको दिखाएंगे। तो बस थोड़ी सी इसको समझने की आवश्यकता है, जरा सा आप इसमें अगर मेहनत कर देते हैं छात्रगण तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, इस बात का मैं आपको दावा कर देता हूँ इसमें। तो आइए आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर के चलेंगे, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का हो। नेक्स्ट लेटर सीरीज के अगले क्वेश्चन पे चलेंगे छात्रगण, और अगला प्रश्न मेरा यहां पर होगा ए बी सी ए ए डैश ए ए बी सी ए ए डैश सी ए ए डैश सी। ऑप्शन आपको देता है नंबर ए में ए सी सी बी बी बी, बी ऑप्शन आपको दे रहा है ए सी बी सी बी बी, सी ऑप्शन दे रहा है सी बी सी बी बी ए, डी ऑप्शन दे रहा है ए बी सी सी बी बी, ठीक है ना। आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे, फिर वही काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये भी 19 है यानी 18 वाला, चाहे 3 चाहे 6 का हम लोग बनाते हैं। आइए 3 6 का लेते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 बी पे ख़त्म हुआ, 1 2 3 ए पे ख़त्म हुआ, कहानी खत्म हो गया है ना। 6 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ए पे ख़त्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 ए पे ख़त्म हुआ, 1 2 3 4 5 ए पे ख़त्म हुआ, यानी कि ए वाला सीरीज मेरा क्या हो रहा है, पकड़ा रहा है, यानी 6-6 लेटर का हम लोग इसमें क्या करेंगे सीरीज बना देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं अगर हम ए ए बी सी ए ए ए ए फिर बी ए फिर यहाँ पर सी छूटा हुआ है लगता, क्वेश्चन मेरा गड़बड़ा रहा है, 1 2 3 4 तो 3 4 5 6 ये क्वेश्चन छूट गया लगता है, ए बी सी ए बी सी, हाँ देखिए तो यहाँ क्या हो गया। अब देखिए क्या 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 मेरा सीरीज बन रहा है, सो ए ए बी सी ए ए बी सी ए बी सी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया छात्रगण, सॉरी ये क्वेश्चन लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ लगता है बुक में ही गलत दिया हुआ था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ी मुझे लगता है कि मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे उठाने का प्रयास करेंगे और उसको उसी के आधार पर बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। क्वेश्चन होगा अगर आपका सी सी खाली जगह सी सी बी फिर ए सी ए डैश ए सी सी बी उसके बाद सी सी डैश सी सी बी, 1 2 3 तीन ही आ रहा है ना, 1 2 3 हाँ, तो 3 ही भरना है और क्या,
तीन ही भरना है इसमें, है ना। पहला ऑप्शन आपका है ए सी ए, दूसरा में है बी सी बी, तीसरा में है ए बी सी और चौथा में है बी बी ए। चलिए काउंट करते हैं एकदम फटाक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 यानी कि कितना, वही 1 2 3 4 5 6, चार तो नहीं, तीन और छः पर जाएंगे, तीन पर देख लेते हैं। सी सी खाली जगह, सी सी बी खत्म हो गया, सीरीज खत्म हो गया। फिर कहा कि देखिए सी सी से शुरू हुआ है, यहाँ ए से शुरू हो रहा है और फिर ए पे खत्म हो रहा है। अब छ का ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बी पे खत्म हुआ है, एकदम याद रखिएगा बी पे खत्म हुआ। 1 2 3 4 5 6 देखिए बी पे खत्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 देखिए बी पे खत्म हुआ, यानी छः छः का ग्रुप बनेगा। छः छः का ग्रुप बनाइए, ये छः छः का ग्रुप बना लिए, अब छः छः का ग्रुप बना लिए हैं एकदम पूरी तरह से। अब देखिए सी सी यहाँ पे, सी सी ए सी सी, देखिए कैसे पकड़ाता है ये, है ना, सी सी ए सी सी, सी सी ए सी सी बी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सी ए सी सी बी, फिर क्या हो जाएगा, सी सी ए सी सी बी, हो गया ना, सी सी ए यहाँ पे सी होगा ना, ये सी होगा। देखिए तो सीरीज क्या मिला, सी सी ए सी सी बी, सी सी ए सी सी बी, सी सी ए सी सी बी, तो एक परफेक्ट सीरीज की प्राप्ति होती है छात्रगण, और उसी परफेक्ट सीरीज को आपको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए छात्रगण, नहीं तो आप कहीं ना कहीं जो है प्रश्नों को आप परीक्षाओं में गलत करते हुए नजर आते हैं। आइए आपको अगले प्रश्न को लेकर चलते हैं और अगले प्रश्न पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रैक्टिस से आपको बहुत बहुत बेनिफिट हो रहा होगा और आप बहुत अच्छी तरह से प्रश्न को बना पाने में कामयाब होंगे। ये है आपका डैश में डबल ए डैश डबल ए डैश बी ए बी ए डैश बी बी डैश बी बी डैश ए बी डैश ए बी डैश डैश ए ए बी डैश ए ए बी। ऑप्शन आपका दिया हुआ है नंबर पहला में बी ए बी ए बी, नंबर दो में ए ए ए बी बी, नंबर तीन में बी बी ए ए बी और नंबर चार में बी 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 ए ए। आप पहले कल्पना कर ले छात्रगण कि कौन कौन आपका कहानी क्या कहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 गया, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, उसके बाद 8 से जाएगा और ये किसी से नहीं जाएगा। ओके तो 2 बहुत बड़ा है, 8 भी बहुत बड़ा है, 4 की सीरीज हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 कुछ नहीं मिला, 1 2 3 4 बी मिला, 1 2 3 4 बी मिला, 1 2 3 4 बी मिला, यानी तय हुआ कि मेरा चौथा लेटर बी पर ख़त्म होगा, तो हम लोग इसको चौथा लेटर बी पे ख़त्म कराते हैं। 1 2 3 4 बी पे ख़त्म कराए और देखिए सीधे सीधे ऑप्शन की, 2 नंबर में बी कहाँ भरा हुआ है, तो देख लीजिए 2 नंबर पे बी यहाँ भरा हुआ है, देखिए कितना आसानी से हम लोग पकड़ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ कर दे बी, तो बी ए ए बी बी ए ए बी ए ए बी इन बरा बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी। अब देखिए सर भराया क्या, बी बी ए बी बी ए फिर बी ए और फिर बी, ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 3। तो कितना आसान तरीके से छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, ये आपको देख करके बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें मास्टर बनने में भी देर नहीं लगी होगी। देखिए आपको करना क्या है कि जितना भी लेटर का सीरीज दिया हुआ रहेगा उसको पहले काउंट कर लीजिए, काउंट करके देखिए जिसमें इसमें आया 16, अगर ये ऑड नंबर आता 17 आता तो उसमें 1 घटा दीजिएगा, कभी कभी 2 घटा दीजिएगा और सीरीज बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप काउंटिंग कर करके देखते जाइए कितना से ख़त्म हो रहा है, उसको हम कैसे पूरा कर पाते हैं। और क्वेश्चन देखिए और बारीकी से समझिए, अपने आप पूरी चैप्टर आपकी जो है क्लियर होगी छात्रगण। हम उम्मीद करेंगे कि ये पूरी चैप्टर आपकी आज हम क्लियर कराएंगे छात्रगण, ताकि आपको जरा भी कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से इसमें नहीं फंसने का प्रयास करेंगे छात्रगण। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहां तक हम इसकी बातें करें। अब क्वेश्चन कहता है एल है, एल खाली जगह एन डैश एल एन के बाद एम एल एल एम एम एल एल एम
डैश एन डैश एल खत्म हो गया सीरीज। ओके अब इसमें ऑप्शन दे रहा है, नंबर पहला ऑप्शन दे रहा है MNMN, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है MNNM, तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है MNMM, और चौथा ऑप्शन दे रहा है NMM। ये चार ऑप्शन दिए हुए छात्रगण, और इन्हीं चार ऑप्शन से आपको निर्माण करना है। फिर वही काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 3 या 4 का, 3 या 4 का बना लेंगे एकदम मजे से। पहले 3 का बना लेते हैं, 3 का 1 2 3 एन पे खत्म हुआ, 1 1 2 3 एल पे खत्म हुआ, कहानी खत्म हो गया। जहां एकदम कहानी खत्म की जहां रहा है, अब 4 का बनाइए, 1 2 3 4 कुछ नहीं मिला, 1 2 3 4 मिला, 1 2 3 4 ये भी नहीं मिला आपका। अब सवाल यही उठा छात्रगण कि जब हमको सीरीज नहीं मिलने लगे, ना 3 से मिले ना 4 से मिले, तब आपके पास अब ऑप्शन आपके पास अब क्या बचता है? हमको खुद अब खुद दिमाग से बताइए कि अब आपके पास ऑप्शन क्या बना। अब आपके पास ये काउंट किए थे तो कितना आया था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 12 आया था। तो 12 मेरा किससे जा रहा था, 3 से 4 से 6 से। तो हम देख लिए ना 3 से सीरीज मिला ना 4 से सीरीज मिला, तो अब हम सीरीज किससे ढूंढेंगे, 6 से ढूंढेंगे, और 6 की सीरीज पकड़ने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 किस पर खत्म हुआ, एल पर, 1 2 3 4 5 6 किस पर खत्म हुआ, एल पर, यानी सीरीज हम लोग किसका बनाएंगे, 6 का सीरीज बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एक सीरीज ये बना लीजिए, यहाँ L है, यहाँ L है, 1 2 3 4 5 6 एक सीरीज ये बना लीजिए, 6 6 लीटर का सीरीज बना लिए। ओके क्लियर हो गया। अब चलिए भरने का प्रयास करते हैं, कौन कौन जाएगा देखिए क्या करेंगे। छठा लेटर पर मेरा L आना चाहिए, छठा लेटर पर मेरा L है, अब मेरा सीरीज क्या बनेगा, अब हमको वो डिसाइड करना है ना। तो चलिए देखते हैं, एल एम एन फिर एन एम एल बन गया ना, कैसे पकड़ेंगे उसको, इससे पकड़ेंगे कि देखिए तीसरा लेटर पर मेरा क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और ठीक एल के पहले एम आ रहा है, यहां देखिए एल के पहले एम, तो एल के पहले यहां एम डाल लीजिए, और ऑप्शन ढूंढिए कि भाई एल के पहले एम क्या है, देखिए एक तो एम यहां है, ये तो एन है, एक एम ये है, और यहां एन है, इन दोनों में ही से कोई एक होगा, कोई एक को पकड़ के चलेंगे, यहां एम ढूंढ ले, यहां एम देते हैं, ठीक है ना, बोला एम, इसके पहले ये क्या दे रहा है, एन दे रहा है, तो देखिए क्या बना, एल एम एन एम एल, फिर इसको करेंगे एल एम फिर एन एन एल, मिल गया एल एम एन एन एम एल, एल एम एन एन एल, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया। तो छात्रगण देखिए थोड़ा सा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, बाबू मैं आपको कई बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़े से मेहनत की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना होता है ऐसे चैप्टरों में, जरा सा मेहनत के बाद इस चैप्टर आपका बहुत बहुत हैंडी हो जाएगा, इस चीज़ का मैं आपको दावा करता हूँ। छात्रगण आइए अब आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर के चलते हैं, ताकि आप और अच्छी तरह से इसको सीख सकें। देखिए लेटर सीरीज पर एक आप अपनी जबरदस्त कमांड हासिल कर सकते हैं, हम कैसे बना रहे हैं उसको देख देख करके, डैश दे करके आपका है बी बी एम, फिर क्वेश्चन कह रहा है डैश दे करके है आपका ए एम बी, फिर डैश दे करके आपका है एम, फिर डैश दे करके ए, फिर डैश दे करके है बी बी। ऑप्शन नंबर पहला क्रिएट कर रहा है और कह रहा है एम बी ए बी एम, एम बी ए बी एम, एम बी ए बी एम, दूसरा कह रहा है ए बी एम ए बी, ए बी एम ए बी, तीसरा कह रहा है एम ए बी ए एम, एम ए बी ए एम, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ए एम बी बी एम, ए एम बी बी एम, ठीक है ए एम बी बी एम। सो वी हैव दी 1 2 3 4 5, चलो एकदम जल्दी काम करते हैं, अब तो मास्टर आप हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आया, 15 तो ऑड नंबर है, हम आपको पहले बताए हैं इवन बनाना है, किसी भी कीमत पर आपको क्या बनाना है, इवन बनाना है आपको बताए हैं,
ठीक है ना। तो 15 मेरे किससे किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा बस, और किसी से ये नहीं जाएगा, है ना। तो 15 देखिए, और अगर अभी हम लोग पहले देख लीजिए, पहले चेक कर लीजिएगा, पहले 3 का सीरीज बना लीजिएगा, फिर 5 का बना लीजिएगा, अगर मिल गया तो ठीक है, ना तो फिर 16 पे करेंगे, फिर 16 से भी नहीं मिलेगा तो 18 पे करेंगे, इस तरह से करके, है ना। पहले 3 की सीरीज ले लेते हैं, तो 1 2 3 बी पे ख़त्म हुआ है, 1 2 3 ए पे ख़त्म हुआ है, 1 2 3 कुछ भी नहीं है, 1 2 3 ए पे ख़त्म हुआ है, 1 2 3 बी पे ख़त्म हुआ है, यानी एक सीरीज हमको लग रहा है, नज़र आ रहा है कि एक सीरीज बन जाएगा, है ना। तो 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अल्टरनेट सीरीज होता है, एक सीरीज इसमें चलता है वो याद कर लीजिए। एक तो सेम सीरीज चलेगा, सब में सेम सेम होगा, 6-6 का जो ग्रुप बनाइएगा, 3-3 ग्रुप बनाइएगा, 4-4 का सेम लेटर होगा, लेकिन एक अल्टरनेट सीरीज करता है, जैसे एम एम ए पे ख़त्म होगा तो अगला एम एम बी पे ख़त्म होगा, फिर एम एम ए पे ख़त्म होगा तो एम एम बी पे ख़त्म होगा, वो अल्टरनेट सीरीज कहलाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन अल्टरनेट सीरीज पर आपका सेट किया हुआ है, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर का लास्ट देख लीजिए, बी पे ख़त्म हो रहा है, है ना। एक देखिए यहाँ, यहाँ तीसरा पर देखिए, बी पे ख़त्म हुआ, यहाँ तीसरा ए पे, ये तीसरा क्या चीज़ पे ख़त्म हुआ, बी पे, ये तीसरा ए पे ख़त्म हुआ, तीसरा बी पे ख़त्म, कन्फर्म हम लोग को मिल गया एकदम, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कहाँ पर अभी भरे हैं, ये देखिए ये वाला भरे हैं, तो देखिए कहाँ पर तीसरा नंबर पर बी है, 1 2 3 ख़त्म हो गया, 1 2 3 ख़त्म हो गया, 1 2 3 देखिए बी है, 1 2 3 बी है, ये दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या भरने के लिए बोल रहा है, एम, तो यहाँ भरिए एम बी बी, फिर यहाँ पर क्या है एम ए ए, फिर एम बी बी, फिर एम ए ए, फिर एम बी बी, ये कितना अच्छा अल्टरनेट सीरीज पे क्वेश्चन बन गया, एम बी बी एम ए ए एम बी बी एम ए ए एम बी बी। एक हल्की सी मुस्कुराहट अनायास ही आपके फेस पर आ जाएगी छात्रगण की, वाओ वी हैव जस्ट इन्वेंटेड अ न्यू स्कीम फॉर दिस क्वेश्चंस माय डियर फॉर्म, इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स, एंड यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस। देखो कैसे पकड़ते हैं हम, उसकी चर्चाएं हम आपसे कर रहे हैं कि इसको पकड़ा कैसे जाता है, ये चीज़ देखिए। अभी देखो हम गेम खेलते हैं, अभी हम 3 और 5 का बनाए, अगर 3 पे नहीं मिलता 5 पे बनाते, 5 में नहीं होता थोड़ा सा वक्त लगेगा, काउंटिंग पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर हम 6 का बनाते, एकदम सीरीज मिलना था। पकड़ने का तरीका आपको बता दिए कि कैसे आप पकड़ सकते हैं, तो इजिली हम लोग ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से आप इसको समझने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए आगे की ओर लेकर के चलते हैं। तो लेटर सीरीज अपने आप में एक बहुत बहुमूल्य चैप्टर है, एक नंबर, कभी भी आप इसको छोड़ के नहीं चल सकते हैं छात्रगण। देखिए सभी क्वेश्चन अगर बोलेंगे नहीं सर ये हमको भारी लगता है हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको बहुत ही सताएगा, इसलिए आपको छोड़ के नहीं चलना है। डैश एस टी टी, उसके बाद आगे बढ़ता है क्वेश्चन, चलता है टी टी, आगे चलता है और चलता है टी टी एस, टी टी एस, और फिर आगे जा कर के ये ख़त्म हो जाता है। ओके, ऑप्शन आपको देता है, पहला ऑप्शन दे रहा है ये टी एस एस टी, टी एस एस टी, दूसरा ऑप्शन आपको देता है एस एस टी टी, एस एस टी टी, तीसरा ऑप्शन आपको देता है ये टी टी एस टी, टी टी एस टी, चौथा ऑप्शन आपको देता है टी एस टी एस। छात्रगण हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छी तरह से ऐसे क्वेश्चनों को बना पाने में कामयाब होंगे। देखिए पहले काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया है, चाहे 3 का बनाएंगे या 4 का बनाएंगे, तो सबसे पहले 3 का बना लेते हैं, देख लेते हैं 3 का क्या स्थिति है। 1 2 3 टी पर ख़त्म हुआ है, 1 2 3 टी पे ख़त्म हुआ है, 1 2 3 टी पे ख़त्म हुआ, 1 3 टी पे ख़त्म होगा, वाओ 3 एकदम पहले लास्ट में टी भर, देखिए टी किस में है, सब में टी है, खाली इसमें नहीं है, लास्ट वाला में टी भर दिया ना बाबू, तो लास्ट वाला में देख लो टी खाली इसमें दिया हुआ, ये वाला टी यहाँ पे भर दिए, सब में टी दिया हुआ है ना। अब चलिए सीरीज ढूंढते हैं, है ना, क्या सीरीज ले लेंगे इसमें वो हम देखेंगे, लास्ट में टी है, अब लास्ट में टी के पहले वाला में क्या है, एस है, तो टी के पहले वाला में एस है, टी के पहले वाला में एस है, टी के पहले वाला में एस है, फिर एस के पहले क्या टी है, एस के पहले टी है, एस के पहले टी है, एस के पहले टी है, तो हो गया टी एस एस टी, टी एस एस टी, ऑप्शन नंबर 1। तो जो बहुत भारी दिख रहा था वो हम उम्मीद करते हैं छात्रगण कि बहुत आसान आपका हो गया होगा, और अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें एक भी क्वेश्चन आपको बताने की मुझे आवश्यकता भी इसमें है।
बस आपको प्रैक्टिस करना है, दिए गए सीरीज को काउंट करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने सबसे पहले इसे काउंट किया, मेरा आया 12। हमने सीरीज बनाया चाहे तीन का चाहे चार का, 1 2 3 तीन पर सीरीज खत्म हुआ टी पे, 1 2 3 टी पे खत्म हुआ, 1 2 3 टी पे खत्म हुआ, 1 2 3 टी पे। हम समझ गए कि दिया गया क्वेश्चन तीन तीन के सीरीज पर है क्योंकि सीरीज मिल गया था। कभी कभी केस में सीरीज ना मिले तो वो सीरीज अल्टरनेट सीरीज होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उस अल्टरनेट सीरीज पर आपको अग्रचलित होना है, उस अल्टरनेट सीरीज पर आपको आगे बढ़ना है। इतना करने के बाद हम सब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम सब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किस आधार पर यह क्वेश्चन सेट किया गया है। हम देखते हैं कि लास्ट टी पे खत्म हुआ, यहाँ टी भरे, टी के पहले क्या है, एस है, तो हम ढूंढेंगे भाई कहाँ कहाँ है, तो टी के पहले एस भर दिए, टी के पहले एस, तो मिला जुला करके इसको पूरी तरह से देखने पर हम देखते हैं कि पूरी सीरीज प्राप्त हो जाती है। लास्ट में हम टी भरे, लास्ट में टी सब में दिया होता, उसके पहले देखिए एस है, आप देखिए इसके पहले एस भर दीजिए, इसके पहले एस भर दीजिए, इसके पहले एस ऑलरेडी था, और फिर देखिए एस के पहले क्या है, टी है, तो इसके पहले टी, इसके पहले टी, इसके पहले टी, सीरीज क्या बन गया, टी एस एस टी का, टी एस एस टी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो सिंपली बस सीरीज को काउंट कर लीजिए, काउंट करके वो किससे किससे डिविजिबल फैक्टर उसका कौन कौन है, छोटा ज़्यादा छोटा नहीं बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा, बीच की सीरीज बनाइएगा, लेकिन सीरीज मिलाते हुए बनाइएगा कि तीन पर आप काउंट करके देखिए कि तीन पर खत्म हो रहा है कि नहीं, फिर काउंट कीजिए खत्म हो रहा है कि नहीं, फिर काउंट कीजिए खत्म हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार से आप इस पूरे सीरीज चैप्टर में भी आप एकदम से मास्टर हो सकते हैं छात्रगण, बस जरूरत यही है कि आप कितने मनोयोग से ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं। तो रीजनिंग की आज लेटेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त घोषित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि घर में आप बहुत ज़बरदस्त रूप से ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और संजय सर का बताया गया रीजनिंग को आप एक नंबर अपने पॉकेट के अंदर में निश्चित रूप से डालने का प्रयास करेंगे। तो आज की बातें यहीं तक, कल की बात क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा किटकैट ब्रेक मेरे लिए बनता है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब बखैर, बाय।